हेलो फ्रेंड्स, मैं आश वर्मा स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एनालॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया और आज के सेशन में हम लोग उससे कुछ हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का टाइप और उसे समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले क्वेश्चन है आज का, आपके ऑप्शन है चलिए 11, 17 और 19, यहां पे क्या होगा वो हमें बताना है। तो जैसे कि हमें चार ऑप्शन मिल चुके हैं, 29, 27, 23 और 21, इसमें से हम लोग को चूज करना है कि कौन सा परफेक्ट आंसर होगा जो यहाँ पे आएगा, यानी कि जिस रेशियो में ये दोनों है उसी रेशियो में से 19 के साथ कौन सा ये वही रेशियो बनाएगा। तो दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे हैं तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो हम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये जहाँ तक लग रहा है कि 11, 17 ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो देखिए, 11, 17 दोनों प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। तो इतना तो श्योर हो गया कि यहाँ भी जो आएगा नंबर वो भी एक प्राइम नंबर होगा। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो 29 और 23 है, दो प्राइम नंबर है मिल गया। लेकिन अब ये चूज करना है कि इन दोनों में से परफेक्ट आंसर यहाँ पे कौन होगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कोई और लॉजिक इसमें मिलता है क्या। तो 11 और 17 ये क्या है कि देखिए, क्रमागत जो प्राइम नंबर है उनमें एक का गैप हमें दिख रहा है। 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है। क्या है इसमें से एक प्राइम नंबर जो इसके बीच में आएगा वो नहीं है, यानी कि एक प्राइम नंबर का गैप है। वैसे ही 19 के बाद एक प्राइम नंबर आएगा, उसका गैप लेके फिर दूसरे जो प्राइम नंबर आएगा वही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं 19 के बाद पहला प्राइम नंबर क्या आएगा, 23 के बाद क्या आएगा, 29। तो 23 तो हमें गैप चाहिए, 23 तो हमें चाहिए नहीं, जैसे इसमें 13 छोड़ दिया है सीरीज में, वैसे हमें 23 छोड़ देना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29। तो ए इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं कि पिछला वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अभी जो कराएंगे इसको आप लोग एक बार फिर से करते रहिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद से हमारी तीसरी पार्ट आएगी, उस तीसरी पार्ट तक हम पूरे एनालॉजी को कंप्लीट कर देंगे, फिर आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास 17 और 52 किस प्रकार रिलेटिव है। तो यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है हमें 17 × 3 + 1 का मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 17 × 3 + 1। 17 × 3 कितना होता है, 51 + 1 कितना हो जाएगा, 52। वैसे ही अब एक के साथ सेम रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 1 × 3 + 1। तो क्या हो जाएगा, 1 × 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4। राइट आंसर ही बी। देखिए कितने इजी सवाल है, बस एक बार सोचने की जरूरत है। अगर आप एक बार दिमाग लगा ले जा रहे हैं तो आपका एक नंबर फिक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये बताइए आप लोग यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास 12, 13, 15 और 31। अब इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे परफेक्ट आंसर कौन सा होगा आप लोग इसे सॉल्व कर कीजिए, आप वीडियो पोस्ट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो राइट आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप। चलिए आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें। तो देखिए ये 14 और 9 किस प्रकार रिलेटिव है, 14 और 9 दोनों का रिलेशन क्या बन रहा है कुछ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, और 18 में हम माइनस 4 करेंगे तो कितना मिल रहा मुझे 14। ये रिलेशन हमें बन रहा है इंटू 2 माइनस 4, रिलेशन हमें क्या मिल रहा है इंटू 2 माइनस 4 का रिलेशन। सेम प्रोसीजर इसमें करेंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा उसमें इंटू 2 करेंगे और माइनस 4 करेंगे। इसमें से चाहिए तो आप ऑप्शन में से देख लीजिए, ऑप्शन में से कोई हो रहा है इसमें अगर इंटू 2 कर रहे हैं माइनस 4 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 12 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा 20, 26 आया, नहीं गलत आंसर है। इसमें से इंटू 2 करेंगे माइनस 4 करेंगे 13 दूना 26, 26 में से 4 गया 22, ये भी 26 नहीं आ रहा, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। ये 15 दूना 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा 26, 26 आ रहा है, राइट आंसर क्या होगा बी, राइट आंसर इज 15। अब 15 आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, 15 इंटू 2 माइनस 4 13 माइनस 4 क्या हो जाएगा 26, राइट आंसर समझ में आ गया क्या इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, एक बार अगर लॉजिक समझ में आ गया तो आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। इसका ऑप्शन है आपके पास 25 32 35 एंड 42। देखिए इसमें से कौन सा लॉजिक मिल रहा है आप लोग सोचिए, लॉजिक देखिए क्या है और आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या है, ये देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्या है हमें ये देखना है कि 12 30 इसमें कोई रिलेशन मिल रहा है इन दोनों में, और जो मिल रहा है रिलेशन सेम रिलेशन इसमें बनानी होती है, एनालॉजी का मतलब तो वही है कि जो इसमें रिलेशन मिल रहा है वही दूसरे वाले में रिलेशन मिलना चाहिए। तो हमें ऐसे कुछ समझ में आ ही रहा है कि 12 और 30 का कोई रिलेशन तो मिल ही रहा है ऐसे, फिर दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, ऐसे सॉल्व करते हैं अलग अलग सॉल्व करते हैं सबको। 12 क्या है 3 का स्क्वायर और प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। वैसे ही अब 30 क्या हो जाएगा हमारा कि 30 हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 13। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना हो गया 30 हो जा रहा है। तो वैसे ही अब इन दोनों में सेम रिलेशन, देखिए ये क्या है 3 और 5 का स्क्वायर और प्लस वही नंबर ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर 3 ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस वही नंबर 3 ऐड कर दिए, मेरा 12 आंसर आ गया, ये 12 जो था यहाँ पे। वैसे ही 5 का स्क्वायर प्लस 5 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 30 आ गया, सेम रिलेशन इस वाले पार्ट में हमें बनानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, हम अगर 5 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें 5 का नहीं कर पाएंगे, अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं और इसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ये तो हमें मिल गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमें वो देखना है, ये देखिए कोई सीरीज चल रही है क्या यहाँ पे, ये 3 है तो ये क्या है 5 है, यानी कि बीच में गैप किसकी है 1 की गैप है। तो वैसे ही 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा अब 6 आएगा, जैसे 3 और 5 में 1 का गैप है तो वैसे ही 4 और 6 में 1 का गैप में रहना चाहिए, बीच में 5 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 6 लेंगे, तो इसमें भी +1 का गैप है।
तो अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 ही ऐड कर देंगे, यानी कि जिसका हम जो सीरीज चलता आ रहा है हमारा, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही ऐड कर रहे हैं। तो वैसे ही 6 का स्क्वायर किए और 6 ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा 36 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 42। आंसर में 42 है, हाँ डी आंसर हमारा राइट आंसर। समझ में आया क्या? नहीं आया तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था 1 1 और यहाँ पे था 25 और यहाँ बताना था क्या होगा। इसको मैंने बताया था लेकिन शायद मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गई थी, उसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे देखिए, हमने बताया था कि 1 जो है 1 से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ये 1 से 1 रिलेटेड रिलेशन एक ही होगा कोई ना कोई स्क्वायर का, या तो 2 हो मतलब पावर का रेशियो होगा, या तो 2 का वो रिलेशन है, या फिर पावर 3 का रिलेशन है, या फिर पावर 4 का रिलेशन, या कुछ भी एक के कोई भी पावर करेंगे तो उसका आंसर एक ही आएगा। तो रिलेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ पावर का है। तो आंसर में हमें 25 का कोई भी पावर देखना है कि 25 का कौन सा पावर ऑप्शन में है। तो हमारे ऑप्शन में एक 625 था, तो 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर यानी 25 का सिर्फ और सिर्फ एक 625 ही था जो 25 का कोई फैक्टर है, तो 625 ही राइट आंसर होगा। हमने उस टाइम शायद बोल दिया था कि 25 का घात 3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 25 का 2 हो 3 हो 4 हो या फिर 25 का घात 1 ही हो सिर्फ 25 ही हो वही राइट आंसर होगा। तो आप इसको आप लोग करेक्शन एक बार कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चीज़ समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ऑप्शन है आपके पास 125, 137, 525 और 625। इसको आप लोग सोच पा रहे हैं क्या? अगर सोच पा रहे हैं तो सॉल्व कीजिए और आंसर जो आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए हम तो सॉल्व करेंगे ही, आप लोग करें या ना, हमें तो करना ही है। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। 8 और 81 में कोई रिलेशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा तो हम रिलेशन जबरदस्ती बनाएंगे, और बनाना तो हमें है ही, क्वेश्चन सॉल्व करना है ही, छोड़ के आएंगे नहीं। तो देखिए 8 का क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। अब देखिए 8 से 81 को रिलेटिव कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें जबरदस्ती बनानी है। जबरदस्ती बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 प्लस 1 और पावर में जो है इसका भी प्लस 1 कर दे रहे हैं, यानी क्या किए? जो यहाँ पे बेस हमारी है बेस में प्लस 1 किए, और जो पावर है उसमें भी प्लस 1 कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4 क्या होता है? 81। जब 3 का पावर 4 हो गया 81, तो सेम यही प्रोसीजर नेक्स्ट वाले में अपनाएंगे। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है? 64 है। तो 64 क्या है? 64 जो हमारी होती है वो 4 का पावर 3 है। 4 का पावर 3 कितना होता है? 64। तो अब सेम जो इसमें किए वही इसमें करेंगे। 4 बेस में 1 जोड़े थे, बेस में 1 जोड़ दिए, और फिर पावर में भी 1 ऐड किए थे, तो पावर में भी 1 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 का पावर 4। 5 का पावर 4 का वैल्यू कितनी होती है? 625। राइट आंसर इज डी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कल जो मैंने दूसरी पहली वीडियो में बताया था वो तो एक बेसिक आप लोगों को समझाने के लिए उतने इजी क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि एनर्जी होता क्या है, लेकिन जो क्वेश्चन के लेवल रहेंगे वो इसी लेवल के आएंगे, या फिर इससे भी टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आगे आने वाली जो हमारी थर्ड पार्ट होगी उसमें हम कराएंगे
अल्फाबेट से भी क्वेश्चन कराएंगे एनालॉजी के, बहुत ही इजी टाइप से आपको समझाएंगे, एक एक चीजें आप लोगों को समझ में आएगी, बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 10 और 8, जहां पे हमें बताना है यहां पे क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 10, 13, 14, 17, बताइए। अगर सोच पा रहे हैं तो तुरंत सॉल्व कीजिए। आप लोग जब वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, या फिर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, या फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक नोट तैयार करते जाइए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कोई रिलेशन मिल रहा है क्या इसमें, 3 और 10 में कोई रिलेशन मिल रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। जबरदस्ती रिलेशन बनाना पड़ेगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जबरदस्ती रिलेशन भी बनाया जाता है। देखिए क्या है इसमें, इसमें क्या है कि 3 क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आया। जबरदस्ती मैंने इसका 2 का स्क्वायर किया, उसमें से 1 माइनस किया तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। वैसे ही अब ये क्या है, ये देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर और प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। अब देखिए क्या किए, एक बार 2 का स्क्वायर करके माइनस 1 किए और नेक्स्ट में क्या किए, 3 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिए। ठीक है, तो 8 क्या है, 8 जो है अब दूसरे वाले में सेम रिलेशन लगाएंगे और आंसर लाएंगे। दूसरे वाले में क्या है कि ये 3 का स्क्वायर है और माइनस 1 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब देखिए सेम 2 का स्क्वायर माइनस 1 किए थे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1 किए हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 किए थे, यहाँ पे इससे 1 ज़्यादा लेके और उसका स्क्वायर लेके प्लस 1 किया गया है रिलेशन में। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 3 से 1 ज़्यादा लेके क्या होता है 4, और उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर हो गया तो इसमें फिर हम क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 17। ऑप्शन में 17 है, हाँ डी, राइट आंसर इज डी। आप लोगों को एक एक चीजें समझ में आएगी, जो समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं जो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, या फिर टेलीग्राम पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 का रिलेशन किससे दिया है, 222 से। वैसे ही 7 का रिलेशन हमें बताना है किससे दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन में आपके पास है क्या है, 210, 465, 350, 3150। दोस्तों अपने अपने दोस्तों को ऐड करते जाइए ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए अपने सारे दोस्तों से, वीडियो तो हम शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं आप लोग, जितने हमें रिस्पांस अच्छा मिलेगा वीडियो कंटेंट उतनी अच्छी अच्छी आएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इसमें कौन सा रिलेशन मिल रहा है। ये देखिए 6 से 222 का कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, अगर 6 से 222 का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है देखते हैं क्या होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और 6 का क्यूब क्या होती है 216 होता है। 6 का क्यूब अगर 216 होगा और इसमें हम अगर 6 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 222। ये हमें रिलेशन मिल रहा है क्या, 6 का क्यूब कर रहे हैं और उसमें से फिर 6 ही ऐड कर रहे हैं तो हमें 222 मिल गया, यानी कि जिसका क्यूब किया वही ऐड कर दिए हमारा रिलेशन मिल गया। वैसे ही हम 7 का क्यूब है, 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे और 7 ही ऐड कर देंगे। 7 का क्यूब हमें सबको पता है कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343, और इसमें हम 7 ऐड कर देंगे आंसर क्या हो जाएगा 350। राइट आंसर इज सी। कितना इजी क्वेश्चन है,
पर जरूरत है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की, और आप लोकेशन प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही जितना आपको कोई टॉपिक इजी मिलेगा, एनालॉजी ही आपको मार्क्स गेन करवाएगा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं, आप सब लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये सॉल्व आप लोगों को करना है, ये सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए, और जो जो लोग कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किसका किसका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। ऑप्शन आपके पास है 85, 28, 8, 64। दोस्तों इसमें से 8 से 28 का कोई रिलेशन बनेगा तो बनाइएगा, और 27 से सेम रिलेशन इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बनेगा वो आप लोगों को चूज करना है, और जो राइट आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इतना ही रहते हैं आज के सेशन में, ये टाइप टू था दोस्तों, टाइप 2 आप लोग का कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी एनालॉजी की उसमें हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 बहुत ही थोड़ा लॉजिकल होता है, लेकिन हम आपको इजी वे में पढ़ाएंगे, इसका चैलेंज करते हैं, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।